चलिए अगली बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं। अंकिता के परिजनों को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए निर्देशित भी किया है। मुख्यमंत्री धामी ने निर्देश दिए हैं, अंकिता के परिवार को सहायता राशि दी जाएगी, 25 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। वहीं अपराधियों को कठोर से कठोर सजा दिलाई जाएगी, ये भी आश्वासन दिया गया है। अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। त्वरित न्याय के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होगी। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है, यहां पर आश्वासन दिया गया है अंकिता के परिवार को। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि दिवंगत अंकिता भंडारी के परिजनों को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। अधिकारियों को इसके लिए निर्देशित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अंकिता के परिवार के साथ है और उनकी हर संभव हर प्रकार से सहायता करने के लिए तत्पर खड़ी हुई है। मामले की एसआईटी जांच की जा रही है। पूर्ण रूप से निष्पक्ष तरीके से जल्द इस मामले में पूरी तरह जांच की जाएगी। मामले से संबंधित हर तथ्य को जुटाते हुए पुख्ता तरीके से रिपोर्ट तैयार की जाएगी और रिपोर्ट तैयार कर अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दिलाना सरकार सुनिश्चित करेगी, सुनिश्चित किया जाएगा। अपराधियों को ऐसी सजा दिलाई जाएगी जो आगे के लिए भी एक नजीर पेश हो सके, नजीर बन सके, पीड़ित परिवार को त्वरित न्याय मिल सके। इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई के लिए माननीय न्यायालय से अनुरोध किया गया है। बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहां पर अंकिता के परिवार को सहायता राशि की घोषणा कर दी है। 25 लाख रुपए की सहायता राशि यहां पर दी जाएगी। साथ ही आश्वासन भी दिया गया है, अपराधियों को कठोर से कठोर सजा दिलाने की बात यहां पर मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई है कि अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, ताकि जो आने वाला समय है उसमें कोई भी ऐसा कृत्य करने से पहले सोचे, इस तरीके की घटनाएं ना हो। इसको लेकर धामी सरकार सख्त दिखाई दे रही है और यहां पर सख्त रुख अपनाते हुए नजर आए हैं सीएम धामी।